नमस्कार अम्रियजनों, आप देख रहे हैं स्वीटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं आप सभी को एक ऑफिशियल अपडेट दिया था, BHU PG का कट ऑफ आने वाला है। बच्चे डाउट में ये हैं कि सर आप जून बोले हो जुलाई, शॉकिंग है कि इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ने लग रहा है जुलाई बोलना था, जून बोल दिया। तो मैं आपको अब यहाँ पे एकदम क्लियर कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे कॉन्शियस माइंड से बोला था वो जून ही है, वो इसी महीने आना है। आने वाली 11 तारीख से आपके कोर्स डिपार्टमेंट वाइज जो है कट ऑफ आने लगेंगे, आपका एडमिशन का पेमेंट जो है आपके पोर्टल पे आने लगेगा। तो आप तैयार हो जाइए खटाखट 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 एडमिशन के लिए, क्योंकि आपका कट ऑफ आने वाला है पटापट पटापट पटापट। ध्यान दीजिएगा कि ये ऑफिशियल काम होते हैं, थोड़ी देरी भी हो सकती है, तो ऐसे में आप थोड़ा झेल सकते हो। तो एक दो दिन अप डाउन होगा, तो थोड़ा मेरे को भी टाइम देना, मैं पता करता रहूंगा, जैसे जैसे आएगा आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। कुछ लोग के डाउट डॉक्यूमेंट्स वाले भी हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप जब उस मेरिट में आओगे ना, तब वो लोग खुद ही आपसे वो डॉक्यूमेंट जरूर एक बार मांगेंगे कि आपको एक समय दिया जा रहा है, आप ये इस मेल पे मेल कर दो या फिर ये आप हमें सेंड कर दो यहाँ पे, जिससे कि हम लोग आपका अपडेट कर सके। बिना वो आपसे मांगे कभी भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे, बात दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये एडमिशन कमेटी अपनी तरफ से बच्चों के लिए इतनी सहूलियत रखेगी। तो प्लीज माइंड में ये जो डाउट है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट गलत है, हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां तक पॉसिबल हो पाएगा वो लोग आपके डॉक्यूमेंट को आपसे मांग के करेक्ट करेंगे, फिर आप अगर मेरिट में आ रहे हो तो आपको पेमेंट भेजेंगे, फाइनली आप पेमेंट करके अपना एडमिशन फाइनल कर पाओगे। यहाँ पे एक बात और रहेगा, जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये पोर्टल पे चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट बोर्ड पे बनाने वाला हूं चल के, जिसमें मैं आपका वो प्रोसेस पूरा फॉलो करूंगा कि कैसे आप अपने पोर्टल तक पहुंचते हो, कहां पे वो आइकन विजिबल होगा। क्योंकि देखो पिछले साल से या पिछले साल तक चले जाओ, पिछले 3-4 साल तक चले जाओ, जो हमारा स्टूडेंट पोर्टल हुआ करता था, जो एडमिशन के लिए पोर्टल होता था, वो BHU के ही पोर्टल पे होता था, यानी जो BHU का ऑफिशियल पोर्टल है, वेबसाइट है, BHU ऑनलाइन, वहां हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है, अब ये सामर्थ के हाथ में है, तो इन्होंने अलग से वेबसाइट बना दी है। तो ये कहीं ना कहीं हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि अब आपका जो कॉलिंग है, जो आपका पेमेंट है, वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगा और वो किस तरीके से विजिबल होगा, उसका जो डैशबोर्ड है, जो उसका आइकन है, वो कैसे आएगा, और फाइनली जो पेमेंट का मेथड है वो कैसे फॉलो होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दिया कि इस बार अगर आप एडमिशन में चूक जाते हो, आपका एडमिशन मिस हो जाता है, तो आपको दोबारा एडमिशन का मौका नहीं दिया जाएगा। यही तो मैं आपको उस दिन वार्न किया था कि भाई ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये चीजें अब डेली से हो रही है, एक दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है, एक दूसरा काउंसलिंग पोर्टल बन गया है, उसकी हैंडलिंग कमेटी दूसरी है। बस BHU जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो CAC है BHU का, उनका काम है कि हाँ थोड़ा चेकआउट करना। वैसे भी देखो PG का जो एडमिशन होता है ना, वो सामर्थ्य पूरा का पूरा अपने ऊपर ले भी नहीं सकता है। कारण ये है कि ये BHU के जो डिपार्टमेंट वाइज जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनके अंडर में रहता है। सपोज एक एग्जाम्पल समझो, एक फिलोसफी डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज 150 सीटें हैं, मोटी मोटा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब ऊपर से लिस्ट बनाई गई 150 लोगों का, तो ये 150 लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सामर्थ्य नहीं करेगा, वो यहाँ के ही लोगों को दिया जाएगा कि ठीक है अब आपके पास एक्सेस है, जल्दी से आप वो पोर्टल ओपन करो और देखो कि 150 बच्चों का डॉक्यूमेंट गलत है क्या। और उसमें अगर किसी का भी गलत होगा तो ऐसा नहीं उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप मेरिट में आ रहे हो। मैं बोला ना मेरिट में आओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। आप मेरिट में आ रहे हो, वो आपको चाहे कॉल करें, आपको चाहे मेल करें, चाहे आपके इसी पोर्टल पे, जो आपका पोर्टल है, जो आपको भी शाम को बताऊंगा कि कैसे पोर्टल ओपन करते हैं, वहां पे एक नोटिस आ जाएगा बकायदा कि देखो भाई माइग्रेशन आपको अपलोड करना है या नहीं है, तो इसका अंडरटेकिंग कहां है। देखो भाई आपका रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है ये बैक डेट का है, अगर न्यूली है तो अपडेट कर दो। इस तरीके से आपके पास एक मेल आएगा और आप उसे अपडेट करोगे, जैसे आप अपडेट करोगे फाइनली आप वेरीफाइड हो जाओगे और यू विल बी गेट योर पेमेंट लिंक, और आपको मिल जाएगा आपका पेमेंट लिंक। और पेमेंट करते ही आपका एडमिशन, यानी जो एडमिट कार्ड होता है उसको हम लोग एडमिशन लेटर भी बोलते हैं। एडमिट कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको लेने के बाद यहाँ पे कई जगहों पर आपको प्रवेश मिलता है, तो BHU उसको एडमिट कार्ड बोलता है। आप कॉमन सेंस समझ सकते हो कि एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा और फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब आप तैयार हो जाओ कि आपका जो आने वाला 4-5 दिन है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, तो जल्दी से। और हाँ, इसी बीच में मैं आपका एक अनऑफिशियल कटआफ भी लेके आने वाला हूँ, उसकी भी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। पूरे 100 आप कोर्स का लगभग 7 से 8 स्लाइड में मैं आपका पूरा एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें BHU के जितनी भी कोर्सेज हैं, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, PW तक का, वो पूरा कटआफ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करूंगा वो वीडियो आप जरूर देखोगे। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत से शुभकामनाएं आज ये वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, वीडियो शेयर जरूर होना चाहिए, और
जो भी प्रॉब्लम है, खासकर अपना नेम और कोर्स इस वीडियो में मुझे जरूर कमेंट करिएगा, अपना मार्क्स जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं, आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज आपको बता सकूं। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, हर हर महादेव।